बादल सागर छे हम सावन सापर से हम सूरत सा चमके हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, तो हम आपकी इंग्लिश का जो है तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सेंट ऑफ द गटर्स। तो इसमें हमने मदर टेरेसा के बारे में पढ़ा था, तो आज है आपके आपका जो थर्ड चैप्टर है इसका लास्ट लेक्चर होने जा रहा है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि हमने इसे पहले पढ़ा था इसके मदर टेरेसा के बारे में कि अब उसने क्या किया था कि कन्वेंट छोड़ दिया था और अब वो साड़ी पहनना शुरू हो गई थी। उसको 1979 में क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ बिगन हर ग्रेट लीजेंडरी वर्क ऑफ सेल्फलेस चैरिटी एंड केयर टू द पुअर। अब उसने अपना जो उसका जो मिशन था वो बड़े मतलब लीजेंड तरीके से अच्छे तरीके से उसने ईमानदारी से स्टार्ट किया बगैर अपने फायदे के लिए। उसने इसलिए मतलब काम कर रही थी कि वो ये उस काम में नहीं सोच रही थी कि इसमें मेरा फायदा है, वो सिर्फ क्या कर रही थी, गरीबों की खिदमत कर रही थी। ठीक है, In 1970 में मैलकलम मॉगरीज अ वेल नोन ब्रिटिश राइटर केम टू कलकत्ता। एक ब्रिटिश राइटर कहाँ आता है, कलकत्ता आता है, जिसका नाम क्या है, मैलकलम मॉगरीज है। वाइल वॉकिंग थ्रू अ स्ट्रीट, जब वो एक गली से गुजरता है, ही हैपन टू सी अ स्मॉल लिटल फिगर इन अ स्लम। तो उसको एक छोटी सी वहाँ पे एक फिगर तस्वीर दिखती है, क्लीनिंग द सोर्स ऑन द बॉडी ऑफ ए हाफ डेड मैन विदाउट द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ डिस्गस्ट एट द टेस्ट। क्या है, वो क्या कर रही थी वहाँ पे कि वो मिजर वहाँ पे जो हाफ डेड बॉडी थी उसको क्या कर रही थी, बिल्कुल क्लीन साफ कर रही थी। उसके बाद स्लाइटेस्ट ट्रेस, बिल्कुल आराम से आहिस्ता आहिस्ता, ही कुड नॉट बिलीव दैट अ ह्यूमन बीइंग कुड लुक सो हैप्पी व्हाइल डूइंग सच अ रिपेलिंग टास्क। उसने ये कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान जो है ये काम करे और वो ऐसे काम पे खुश रहे और हंसते हंसते वो ये काम करे। ठीक है, द डीप वार्म ग्लो ऑफ पीस एंड लव ऑन हर फेस, कहता उसके मतलब ये काम करते करते उसका जो चेहरा था खुशी से भरा हुआ था, फुल मतलब फूला हुआ था। उसके बाद वाइल केयरफुली बिजी इन हर अनफ्लिंचिंग सर्विस टू द रेस्ट ऑफ द अर्थ। और उसके बाद मतलब खुशी खुशी अपने काम में क्या रहना, मगन रहना, काम करते रहना। मेड सच अ डीप इंप्रेशन ऑन हिज माइंड डेट ही वॉन्टेड द होल वर्ल्ड टू नो अबाउट दिस सेंटली पर्सन एंड हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क। तो मीन्स दैट वो ये सब काम देखने के बाद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और वो चाहता था, ही वॉन्टेड टू होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से ये चाहता जानना चाहता था अबाउट दिस सेंटली पर्सन, मतलब बोलना चाहता था वो लोगों को किसके बारे में, इस सेंट पर्सन के, इस सूफी इंसान के बारे में, उसके इस काम के बारे में। द रिजल्ट वॉज हिज बुक एंड अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑन मदर टेरेसा। अब उसका तो नतीजा क्या निकला, वो उसकी किताब थी, किसकी, मैलकलम मॉगरीज की किताब थी, और एक उसने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई किसके बारे में, मदर टेरेसा के बारे में, अप्रोप्रिएटली टाइटल्ड समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड। मतलब उसका जो उनवान था उस बुक का, उसका नाम क्या था, उनवान क्या था, समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड। ठीक है, विच ब्रॉट वर्ल्ड अटेंशन टू अदर अदरवाइज क्वाइट वर्क। मीन्स दैट ये जो जब इसने ये किताब लिखी तो लोगों का जो जहन था, लोगों के जो विचार थे वो इसी तरफ आए। ठीक है ना, सब एक साइड आए कि हमने क्या करनी है, मतलब लोग इसको देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुए। ठीक है, बिफोर हर डेथ इन 1997 जब वो मर जाती, जब उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1997 में, लेकिन बिफोर हर डेथ 1997 से पहले शी ओवरसा द ओपनिंग ऑफ ब्रांचेज ऑफ आर मिशनरीज ऑफ चैरिटी। तो उसने और कुछ शाखें अपने जो उसकी मिशनरीज थी वो आगे और खोली थी इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज, बहुत सारे ममालिक में टू कंटिन्यू हर वर्क अमंग द पुअरेस्ट ऑफ द पीपल। इसलिए खोली थी ताकि हर जगह जो है गरीबों की मदद की जाए, गरीबों की खिदमत की जाए। ठीक है, मदर टेरेसा यूज टू से दैट वन मस्ट गिव लव टिल इट्स हर्ट, कहता कि किसी को दुख पहुंचाने के बजाय हमें चाहिए कि किसी को क्या देना, प्यार देना। ये कौन कहती थी, मदर टेरेसा। ठीक है,
शी वॉज ट्रूली अ सेंट ऑफ अवर टाइम्स, जब हमारे वक्त की बहुत बारी क्या थी, सूफी रही है, हु बॉट कंफर्ट टू द डिस्टिट्यूट, गेव केयर टू दोज हु हैड नो वन टू केयर फॉर देम एंड मेड द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट एंड अनवांटेड ह्यूमन फील दैट गॉड थ्रू द एजेंसी ऑफ मदर टेरेसा रिमेंबर्ड देम। कहता वो एक सच में एक सूफी, एक ट्रूली सेंट थी, उसके बाद उसने उन लोगों की खिदमत की थी जिनका कोई देख जिनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था, जिनका कोई ना आगे था और ना ही पीछे था, मीन दैट ना उनके एंसेस्टर्स थे, ना आने वाला उनका फ्यूचर था, ना उनका कल था, ठीक है। तो उन लोगों की उसने क्या की है, खिदमत की है। उसके बाद अनवांटेड ह्यूमन फील दैट गॉड थ्रू द एजेंसी ऑफ मदर टेरेसा रिमेंबर देम। और उसके बाद क्या हुआ है कि ये जो काम उसने सब किए हैं ये पूरी उम्र भर क्या याद रहेंगे, एक मिसाल की तरह याद रहेंगे। तो बच्चों ये था आज आप कंप्लीट, आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी, जहाँ पे समझ ना आए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फोन कॉल पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसके कल क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट चैप्टर को हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। थैंक यू।